हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का सेंसेक्स बहुत हाई है। देखिए, अभी अभी राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 18 सालों तक कांग्रेस से नाता रहा, उनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, लेकिन जब ये नाता टूटा तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के कितने करीब पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। आज शाम सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे और ये देखिए उससे पहले की तस्वीर है। रक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे आपसे थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यसभा का उनका टिकट कंफर्म हो चुका है। देखना यह अहम होगा कि आखिर उन्हें कौन सा मंत्री पद मिलने जा रहा है, क्योंकि कयास यह है कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है मोदी सरकार में। जफर इस्लाम को भी आपने देखा आपसे थोड़ी देर पहले इन तस्वीरों में। जफर इस्लाम वो व्यक्ति जो बताया जाता है कि इन सबके सूत्रधार है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के नजदीक आए उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। और ये तस्वीर जो आपके सामने है आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर, देखिए राजनाथ सिंह से किस तरीके से वो गले मिले हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कमलनाथ सरकार मुश्किलों में आ चुकी है। कमलनाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आपको हम दे दें। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के लिए आज नामांकन भरेंगे और ब्रजेश राजपूत के पास सीधे हम आपको लिए चलते हैं इसी खबर पर, और अधिक जानकारी देंगे आपको ब्रजेश भोपाल से। ब्रजेश, देखिए कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी का नाम तय कर दिया है राज्यसभा के लिए, और उसके आज भी विधानसभा में जाके 12 बजे पर्चा भरेंगे। उनके घर पे समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है, और जिस बात की दरअसल दिग्विजय सिंह तो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको ये दूसरा टर्म मिल रहा है। और जिन दो नामों की बात चल रही थी, जिस बात को लेकर झगड़ा था कि दो सीटें कांग्रेस के पास आसानी से जा रही थी, उसमें राजा महाराजा का नाम चल रहा था और इसी बात को लेकर टकराव था जो सिंधिया और दिग्विजय सिंह का, मगर अब ये साफ हो गया है कि यदि बीजेपी से सिंधिया जा रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह पर्चा भरने जा रहे हैं और वो राज्यसभा के प्रत्याशी ऐलान कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और थोड़ी देर बाद ही वो विधानसभा में जाके पर्चा भरेंगे राज्यसभा के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।